के बच्चों से पूछते हैं कि आज ओंकार सिंह के बीच में बच्चे थे, आज उनकी शब्दों को सुना, आप करीब से देखा, क्या सीखा, क्या जाना? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं क्लास 10th B में पढ़ती हूँ। आज हमारे यहाँ ओंकार सिंह आए थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर, स्पोर्ट इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर्स ने मिलके बहुत इन्जॉय किया और हमें बहुत ऑनर फील हो रहा है कि हमारे स्कूल में ओंकार सिंह आके और हमारे स्कूल का नाम रोशन, और हमें बहुत खुशी मिल रही है। तुमको क्या लगा? मेरे को ये उनको देख के ये सीख मिली कि मतलब हम जो करना चाहते हैं उसके प्रति हमको एकदम डेडिकेटेड रहना चाहिए। और वो आए तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस और क्या सर, शूटिंग रेंज में कैसा, तुम कभी निशाना उशाना लगाना चाहोगी? नो सर, मेरा इंटरेस्ट शूटिंग रेंज में नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन नहीं। जिसमें है उसमें मैं चाहती हूँ कि ओंकार सिंह जैसा ही बनूं। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है, मैं क्लास 10th A से हूँ। जी। सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा ओंकार सर हमारे स्कूल में आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल थॉट्स थी, बच्चों को बताया कि गेम्स भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में उनके स्टडीज़ को लेके भी। और बेटा? सर, मेरा नाम कायनात कुरैशी है, मैं 10th D की हूँ। सर, हमें बहुत खुश हुई कि ओंकार सर हमारे स्कूल में आए, हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन के जैसे हैं। हम चाहे तो अपने एम को एकदम सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा डेडिकेशन होना चाहिए वो हमें सर से सीखना चाहिए कि हमें कैसे अपने किसी भी लाइफ में जो भी हमारा एम है उसके प्रति हमें कैसे अपना वर्क करना चाहिए और कैसे हार्ड वर्किंग करके हमें अपने सक्सेस को अचीव करना है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजनंदिनी है, 10th C से। ओंकार सिंह आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट्स को भी चूज़ करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसको अपनाएंगे आप? यस जी। और सबसे हो गया आप बेटा, तुम नहीं बोली कुछ? सर, मेरा नाम अनिका सिंघेल है, मैं 9th D से हूँ। सर, ओंकार सिंह सर आए, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि वो हमारे स्कूल में आए और हमसे मिले, हमसे मतलब इंटरेक्ट किए, और मैंने ये सीखा है कि मैं अपने स्टडीज़ के साथ साथ कुछ ऐसा चूज़ करूँ जो मेरे फ्यूचर के लिए स्किल मेरे साथ रहे। जी, आपका बेटा नाम क्या है? सर, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अंजलि कुमारी, मैं क्लास 9D से हूँ, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच ओंकार सर आए और हमें कुछ नॉलेज दिया स्पोर्ट्स के बारे में और सारे बहुत सारे चीज़ें बताई हमें नॉलेज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा इतना इतना अभी बाद में जाना। ओंकार सिंह ने क्या बताया, क्या सुना, क्या जाना? सर ने बताया कि मतलब हम मेरे अपने सक्सेस की स्टोरी के बारे में और वो कैसे खेलते हैं, मतलब अच्छा लगा। यस सर। चलो, फिल्म स्कूल में अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले हमारे ओंकार सिंह हमारे बीच में थे, अभी बच्चों के बीच में थे, बच्चों ने भी। इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंशु यादव। आज ओंकार सिंह थे, आपने सुना, क्या लगा? मुझे अच्छा लगा बहुत देख के, और मुझे गर्व हो रहा है कि वो हमारे देश के लिए लड़े थे और उसके बाद से उन्होंने जीत हासिल की थी, उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, 3 बार गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद से सिल्वर और भी कई सारी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया था और वो विजेता बने थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भी काफ़ी रुचि है ओंकार सिंह को बीच में पाके। शूटिंग रेंज का आज उद्घाटन हुआ सनबीम स्कूल में, बच्चे भी शामिल थे और खासतौर पे विद्यालय परिवार भी, टीचर भी, हम भी शामिल थे, हमारे साथ राजू भी शामिल थे। सबसे बड़ी चीज़ आई है, टीचर से बात करते हैं। सर, पूरा नाम क्या लेते हैं? मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, SK चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आज ओंकार सिंह आपके बीच में थे, बच्चों के बीच में थे, उस शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ, अच्छा अवसर रहा आज का दिन, चूँकि बच्चों के बीच में जैसे ही ओंकार सिंह आए खूब तालियां बजी, बड़ा जोश था बच्चों में। तो ख़ास तौर पे क्या लग रहा है ओंकार सिंह के आने से आपके शूटिंग रेंज, आपके स्कूल के शूटिंग रेंज को बेहतर प्लेटफॉर्म बच्चे दे सकते हैं? जोश तो उन्होंने भर ही दिया सर यहाँ आकर के। बच्चे देख पढ़ के उतना नहीं सीखते जितना देख के सीखते हैं। फिजिकली वो यहाँ पर आए, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड मिला है उनको। तो बच्चे ऐसे जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको देख करके बहुत ही सेल्फ मोटिवेट होते हैं। दूसरा, कुछ बातें उन्होंने बताई कि आगे बच्चे को बढ़ने के लिए एक स्पोर्ट्स में ज़रूर एक कोई स्पोर्ट चुनना चाहिए, उसके लिए पूरी लगन से डिसिप्लिन के साथ उसको हासिल करने के लिए पूरी श्रद्धा लगा देनी चाहिए और डेफिनेटली कम या देर वो हासिल करते हैं उसको। तो उनके मुंह से ये अगर निकलेगा
तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, बच्चे काफ़ी कुछ सीखा, उनके वर्ड से सीखा, उनकी पर्सनालिटी, उनके उठने बैठने से सीखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। खासतौर पे किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम होता है तो सफलता ज़रूर मिलती है। जब सनबीम स्कूल में ओमकार सिंह आ गए तो बच्चों को सफलता ज़रूर मिलेगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर आपसे हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।